به نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام इस आयत में ये बात साबित होती है कि सहाबा मेयार हक है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम उस तरह ईमान लाए जैसे सहाबा लाए हैं तो फिर तुम हिदायत पे हो, अगर इससे तुमने मुंह फेरा है तो फिर तुम्हारे लिए बस अल्लाह काफी है। और इसीलिए हज़रत पाक ने बड़ी वजाहत से फरमा दिया कि असहाबी का नजूम मेरे सहाबा तारू ही बने हैं। अब अय्यहिम इक्तदैतुम जिस सहाबी का भी दामन पकड़ लिया तो हिदायत पा जाओगे। मेरे सहाबी सतारू ही बने हैं, क्या बना, जैसे सतारे बहुत ज़्यादा है इसी तरह मेरे सहाबा ज़्यादा है, जैसे सतारे बुलंद हैं इसी तरह मेरे सहाबा की शान भी बुलंद है। जैसे कोई सतारों में थूके तो वो थूक उसके मुंह में आएगी, इसी तरह जो सहाबा का बोला कहे तो उसका अदाब भी उसी को होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत के साथ फरमा दिया है और ये भी बतला दिया कि अल्लाह के पैगंबर जो आए हैं तो उनका काम क्या था। किताब वल हिकमत वल ज़कीम इनका अंतर अजीज़ हकीम के अल्लाह के पैगंबर कुरान की तालीम देते हैं और उनके बातिन को साफ करते हैं और अल्लाह के पैगंबर उनको सुन्नत की तालीम देते हैं। तो जब ये सारी तालीमें उन्होंने हजूर से हासिल कर ली हैं तो फिर उनके मेयार हक होने में क्या शुरू हो सकता है। और इसी तरह याद रखें कि बुखारी शरीफ में है हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि तीन शहीद ऐसे हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित अंसारी को 10 सहाबा के साथ भेजा के फला इलाके के अंदर जो कुफार हैं उनके बारे में तहकीक करो, तजस्सुस करो और फिर मुझे आगे बताओ। वो सहाबा रिज़वानल्लाह अलैहिम अजमईन चल पड़े। जब वो मकामे रजी पे पहुंचे तो बनू हुज़ैल का 100 तीर अंदाज जो है वो उनको घेर लिया। उन्होंने कहा हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, या तो आप हमारी अमान कबूल करें। तो सहाबी जो इस वफद का अमीर था साबित अंसारी उसे कहा वल्लाह ला अकबरु ज़िम्मत काफिरिन कि मैं किसी काफिर की अमान कबूल नहीं करता। बहरहाल फिर उन्होंने उसको भी शहीद कर दिया।
बाकी जो सहाबा थे जो उनके साथ थे उन्होंने भी मुकाबला किया जितना कर सकते थे, उनमें से भी 6 शहीद हो गए, 3 बच गए जिनमें हजरत जैद थे और हजरत खुबैब थे और हजरत मिकदाद थे। ये 3 बच गए, उन्होंने कोशिश की लेकिन उनको कत्ल नहीं किया बल्कि उनको मक्के में लाकर बेच दिया। उसकी वजह ये थी कि जिस जिस सहाबी ने जंगे बदल में काफिरों के बाप को कत्ल किया था उसने अपने बाप के लिए हजरत खुबैब को खरीद लिया और उसको अपने घर में ले आए और बीवी से कहा कि इसका ख्याल रखना और उसके पाँव में जंजीर डाल दी और कहा कि जरूरत के मुताबिक इसको थोड़ा बहुत खाना दे देना। ये कह के वो किसी अपने मसाइल में उलझा हुआ तो वहां चला गया। तो हजरत खुबैब ने उस बीबी से कहा, उसका नाम था ज़ैनब बिंत जहश, बाज़ रिवायात में है कि ज़ैनब बिंत अल हारिस, उससे कहा कि बीबी देखो अगर एहसान करो मुझे इन्होंने सूली तो देनी है, अगर उससे पहले आप मुझे उस तरह दे दें ताकि मैं अपने बदन की निजाफत कर लूँ और तैयार हो जाऊँ सूली पर चढ़ने के लिए। अल्लाह जी ने उसके दिल में क्या आया उसे उसका दे दिया। उसके बाद जो है वो अपने काम में लग गई। फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो उसका 2 साल का बच्चा खुबैब की गोद में बैठे हुआ है, उसके हाथ में उस तरह। अब वो तो काम गई बेचारी। हजरत खुबैब ने देखा, फरमाया देखो क्यों डर रही, वल्लाह इराक तो मैं इस बच्चे को क्यों कतल करूंगा। उसके बाद जो है उन्होंने उस बच्चे को भी छोड़ दिया, बच्चा भागता हुआ माँ के पास चला गया। तो बीबी ने कहा कि वल्लाह मार आए तो मिस्र हादल असीर, ऐसा कैदी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि जिसके पास दुश्मन से बदला लेने का मौका हो लेकर न ले। और उसके बाद उन्होंने कहा यह है कि मैंने ये भी कई दफा देखा कि उसके पास अंगूरों के गोशे पड़े हुए हैं, ना कोई देने वाला है और ना मक्के में अंगूरों का मौसम है। उसने देखा देखा बीबी ये तुम भी ले लो, आधा रिस्क रज़क़ुल्लाह, अल्लाह की तरफ से रिस्क है, अल्लाह जब चाहे। जैसे कि बीबी मरियम के मेहराब में होते हुए हजरत ज़करिया ने फरमाया था कि उसके पास जब देखा कि भाई दरवाज़ा भी बंद है, मेहराब भी बंद है, रोशनदान भी कोई नहीं लेकिन फलूट ढेर लगे हुए हैं, काले आमरी अन्य अलग आला ये कहाँ से आ गए। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ने भेजे हैं, इन्नल्लाह यज़ुक मन यशाउ बिरहमिहि। तो हजरत खुबैब को सूली पर देने के लिए वो ले आए तनहीम से बाहर। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी ने जुर्म किया है, उसको कत्ल करना है, किसास लेना है तो हद हरम से बाहर ले जाओ। बाकी अम्मा फरमाते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, उसने जुर्म हरम में किया है तो सजा भी हरम में मिलेगी। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो ये मुशरिकीन है, वो भी उसको हद हरम से बाहर ले गए। तो बहरहाल जब वहां ले गए तो हजरत खुबैब ने कहा दऊनी मुसल्ली रकाते ही नहीं, मुझे छोड़ो इजाजत दो मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। उन्होंने कहा पढ़ लो। तो उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और जब सलाम फेरा तो कहा अल्लाह है मेरा दिल करता था कि मैं और ज्यादा लंबी नमाज पढ़ू, लेकिन मैंने समझा कि तुम समझोगे कि मैं डर गया हूँ, मैं किसी बात से नहीं डरा हूँ अल्लाह के माँ सिवा, अगर अल्लाह ने मेरी मौत लिखी है और अल्हम्दुलिल्लाह के इस्लाम पे लिखी है, कुफार के हाथ से लिखी है तो लस्तु बाली, फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है कि हीना कुतुल मुसलमान के जब मैं मुसलमान होकर शहीद हो जाऊँ तो फिर मुझे क्या काम है।
इसी दौरान में अबू सुफियान भी आ गए, वो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, वो तमाशा देखने के लिए आए कि उसको कैसे सूली दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि खुबैब, अगर तुम्हारी जगह हम अल्लाह के नबी को खड़ा कर दें और तुम्हें छोड़ दें, तो जोश में आ गए। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो, खुदा की कसम मेरे आका के पाँव में कांटा भी चुभे तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे आका का नाम क्यों लेते हो। तो अबू सुफियान कहने लगा अल्लाह है, ऐसी मोहब्बत मैंने नहीं देखी किसी और के पास जितनी मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा आपसे मोहब्बत करते हैं। आपको सूली दी गई, आप सूली पे लटके हुए थे, कुफार ने कोशिश की कि उनका चेहरा जो है वो काबे से फेरने लगे, चेहरा खुद ब खुद फेर जाता था काबतुल्ला की तरफ। कई दिन गुजर गए और सूली पे लटके हुए हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भेजा कि किसी भी तरह कोशिश करो कि वो कब तक बेचारा सूली पे लटका रहेगा, उसको उतारो सूली से। वहां जब आए आगे देखा कि कुरैश के मुशरिकीन ने तो बाकायदा पहरा लगाया हुआ है, वो रात दिन पहरा देते हैं ताकि कोई उसको सूली से न उतार सके। कहते हैं कई दिन के बाद एक रात उसे कुछ सहाबा को मौका मिला कि आज जरा पहरा कम है, तो उन्होंने हजरत खुबैब को सूली से उतारा और ऊंट में लेके ऊंट दौड़ा दिए। मुझे यकीन है मक्का जो थे वो भी उसके पीछे दौड़े, उनको जब पता लगा कि हमारा कैदी चला गया है। तो आपने ये किया कि अगर मैं इसी तरह ऊंट दौड़ाता रहा और ये गिर गया तो इसकी तौहीन होगी, इसको क्यों ना हम ऊंट से उतार के जमीन पे लिटा दें। तो उन्होंने ऊंट खड़ा किया, उसको उतारा, जमीन पे लिटा दिया सीधा करके। इतनी देर में काफिर भी आ गए, अल्लाह की शान देखें, वो कहते हैं हम दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह इस बेचारे की लाश की बेइज्जती ना हो, तो जमीन फट गई और वो जमीन में चले गए। इसीलिए उनका लकब था बलीउल अर्ज, जिसको जमीन ने अपने अंदर ले लिया। तो अब काफिर क्या कर सकते थे, जब एक आदमी है ही नहीं जाहिर तौर पर तो उसके साथ तो कुछ ही नहीं किया जा सकता। तो वो काफिर भी वापस चले गए और सहाबा कुछ दिन इंतजार के बाद कि देखें कहीं ऐसा ना हो कि उसकी लाश को फिर निकाल लिया जाए। लेकिन अल्लाह की शान ये है कि पानी आसमान से बरसा और पहाड़ों से ऐसे आया जैसे सैर आती है और उसकी लाश को बहा के ले गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होकर वो लोग आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके खबर दी। इसी तरह बुखारी में ये रिवायत है और हज़रत अबी हुरैरा से रिवायत है कि तीन शहीद ऐसे हैं जिनका कोई मुकाबला ही नहीं। तीन शहीद जो अल्लाह के नाम पे शहीद हुए हैं, उनमें एक हजरत अम्मार हैं, हजरत यासिर हैं और उनकी वालदा बीबी सुमैया है। और ये बीबी सुमैया जो है ना, याद रखो, ये इस्लाम की सबसे पहली औरत है जो शहीद हुई है। और इस तरह जुल्म किया उससे अबू जहल बदबख्त ने कि दो ऊंट मंगवाए और बीबी के पाँव में रस्सी बांधी, दूसरे पाँव में रस्सी बांधी और ऊँटों को मुख्तलिफ तरीके से दौड़ाया गया, किधर दौड़े किधर दौड़े, ताकि बीबी दरमियान से चीरी जा सके। जब ऊँट दौड़े तो जालिम ने आपकी शर्मगाह में नेत्र मारा, नतीजा ये निकला बहरहाल कि बीबी शहीद हो गई। अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये सबसे पहली शहीद औरत है। इसी तरह हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, एक दिन हजूर आए तो देखा कि दुश्मन उनको अंगारों पर लिटा रहे हैं। आपने देखा कि कितना बड़ा जुल्म है, तो अल्लाह के पैगंबर ने आके उसके सर पे हाथ रखा और फरमाया या नारो ऊनी
कुन अला अम्बार बारे बर्दन कमा कुन तेरा इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा जिस तरह इब्राहिम पे ठंडी हुई अम्बार पे भी ठंडी हो जा। तो अब काफ हैरान हो गए को आग ठंडी हो गई। हजरत अम्बार के करीब हजूर गुजरे फरमाया सब्र करो सब्र करो, अल्लाह तुम्हें सब्र का इतना बड़ा बदला देंगे। दुनिया जन्नत के लिए भागती है, जन्नत वाली मुश्ताक है। इन्ना जन्नत मुश्ताकुन इला अब्बार व सलमान व यासर, इन तीन के लिए तो जन्नत इंतजार कर रही है, तुम किस बात का फिक्र करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे मिसालें और ऐसे ऐसे वाकयात पेश फरमाए कि जो दुनिया में जिनका कोई तोड़ नहीं है और जिसका कोई मुकाबिल नहीं है। वजह क्या थी कि वो हुजूर के सहाबा थे, उन्होंने हजूर से दीन सीखा, हजूर से कुरान सीखा, हजूर की जबान मुबारक से कलमा पढ़ा और हजूर की इब्तदा में नमाजें पढ़ी। तो तमाम आमाल के शाहिद जो थे वो सहाबा हैं। तो अगर कोई सहाबा को नहीं मानेगा तो उसने गोया इस्लाम को नहीं माना, क्योंकि शहूद अगर झूठा हो जाए दावा तो खुद बहुत खत्म हो जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी हिदायत थी कि अल्लाह ने आपके सहाबा को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को हजूर के दीन का वारिस बनाया और अल्लाह पाक ने उनको इतनी हिम्मत दी कि जंग यरमूक के मौके पर हजूर ने हजरत खालिद बिन वलीद को कमान दी। अब जब वो मौके पर आए तो उन्होंने देखा कि दुश्मन की तादाद तो 1,00,000 से भी ज्यादा है और मेरे पास तो 35,000 सहाबा है। लेकिन खालिद बिन वलीद चूंकि अपने वक्त का एक ऐसा जर्नैल था जिसको दुश्मन भी मानते थे, उसने उनके मुकाबले पर 35 सफे बनाई, एक सफ दूसरी तीसरी, और उनको समझा दिया कि जब अगली सफ नाकाम हो तो दूसरी आ जाए, वो नाकाम हो तो तीसरी आ जाए। जब जंग शुरू हुई तो जंग के नतीजे पर इनके 3,000 सहाबी शहीद हुए, उनका 70,000 मारा गया, 70,000 मारा गया। तो उस वक्त ये यरमूक के मौके पर कुस्तुनिया जो था वो इतना घबराया, घबरा के भाग गया। उन्होंने कहा भी ये कि क्या बला है कि 35 आदमी आके 1,00,000 से लड़ते हैं और फिर उनके कोई ज्यादा से ज्यादा 35,000 आदमी शहीद होता है, हमारा 70,000 मारा जाता है। अब हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत मिकदाद बिन अस्वद साद बिन वक्कास इनने कहा कि चलो अब अल्लाह ने मौका दिया है तो ये बुजदिल हुए हुए हैं तो बाकी जो है ना उनका भी हम मुकाबला करें। आगे आए तो दरिया है और कोई कश्ती नहीं, कोई चीज नहीं। उन्होंने कहा हजरत कैसे दरिया को, क्या दुश्मन तो उस तरफ है। आपने कहा मैं घबराते क्यों हूं, बिस्मिल्लाह करके उन्होंने अपना घोड़ा डाला पानी में, सबने डाल दिए। खुदा की शान देखें, सहाबा की अजमत देखें कि तमाम के तमाम सहाबा जो थे 70,000 थे, 70,000 के 70,000 सहाबा जो थे पार निकल गए। जब वो दुश्मनों ने देखा उन्होंने कहा ये कौन है, ये कोई जिन है, भूत है, क्या बला है, ये इनको दरिया भी नहीं रखता और दरिया में घोड़े डाल के आ जाते हैं, तो फिर इसलिए इनसे लड़ना जो है वो बिल्कुल बेकार है। वो इसीलिए वो वहीं से वापस भाग गए और सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने वो सारा इलाका जो था अपने कब्जे में ले लिया, फतह कर लिया। हजूर को खबर दी गई, हजूर बड़े खुश हुए। अल्लाह आपको भी हमें भी सहाबा की मुकम्मल इत्तेबा नसीब करे।